अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ नाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस फर्स्ट ऑफ ऑल अ अलेमा लेम्मा इज़ अ रिजल्ट बेसिकली व्हिच इज़ यूज्ड टू प्रूव अ थ्योरम ठीक है लेम्मा हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट होता है जो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो हम उसके बाद हमारे पास थ्योरम आता है और थ्योरम से अगर हमारे पास नेक्स्ट कोई रिज़ल्ट या कोई कंक्लूजन हम लोग निकालें तो उसको हम कोरेलरी कहते हैं ठीक है और लैमा ऐसा रिज़ल्ट होता है जो थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज़ होता है अब यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कि अगर हमारे पास एक्स वन से एक तक कोई लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ फैक्टर्स है किसी नॉर्म स्पेस एक्स में ठीक है फॉर एनी डायमेंशन के किसी भी डायमेंशन के लिए ठीक है कोई भी डायमेंशन उसकी हो सकती है देन देर इज़ आ नंबर फिर एक नंबर सी जो कि पॉजिटिव नंबर होगा ये एग्जिस्ट करेगा किस तरह का सच डेट फॉर आवरी चॉइस ऑफ स्केलर्स ठीक है कि स्केलर्स की अगर हम कोई भी वैल्यू लें तो उसके लिए हमें क्या रिजल्ट मिले uh, ये इनकी अगर हम होल लीडियर कंबिनेशन जो इसका लेते हैं इसकी होल की अगर हम नॉम लें तो ये हमारी ग्रेटर और इक्वल टू आए किसकी कि इनके सेपरेट सेपरेट इन स्केलर का हम जो है वो एब्सल्यूट वैल्यू फाइंड करें और ये जो है ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट ये जो हमने ग्रेटर दैन ज़ीरो लिया इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसकी होल की जो नॉर्म की वैल्यू है वो इससे हमारे पास ये जो बोर्ड लेके हम ऐड हैं इन वैल्यूज से हमारी जो है वो क्या आएगी ग्रेटर आएगी ठीक तो है अब लीनियर कम्बिनेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट और डायमेंशन ये आ, इसके रिलेटेड जो है वो ऑलरेडी वेक्टर स्पेस की जो प्ले लिस्ट है उसमें मैंने डिटेल्स जो तो हैं वो ऐड की हुई हैं जो लास्ट टाइम आप लोगों से शेयर की थी होपफुली कि वो तो आपने देख ली होंगी अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स अभी नहीं सुने तो एक दफ़ा उनको देख के रिवाइज कर लें ताकि आपका लीनियरली इंडिपेंडेंस और डायमेंशन का और लीनियर कम्बिनेशन या लीनियर स्पेन वगैरह का जो कन्सेप्ट है ये सारे आपके क्लियर हो जाए अब हम आ, नेक्स्ट जो है वो कम्प्लीटनेस की तरफ हमने मूव करने फाइ अगर हमारे पास जो है कोई फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है वाई और यहाँ पर हमने जो नॉम स्पेस ली हुई है वो एक्स ली हुई है और वाई इसकी ली हुई है सब स्पेस इसको हम क्या कहेंगे कि ये कम्प्लीट होगी ठीक है अगर फाइनाइट डायमेंशनल है वेक्टर स्पे वो नॉम स्पेस एक्स तो इसकी जो सब स्पेस है वो फिर हमारे पास क्या होगी कम्प्लीट या इन पार्टिकुलरली हम क्या कह सकते हैं कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस इज़ कंप्लीट कि कोई भी अगर फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस है वो क्या होगी कंप्लीट होगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है ये इन जनरली जो है वो हमें पता है कि हर नॉर्म स्पेस तो कम्प्लीट नहीं होती ना अब हम ये बात सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं कि जहाँ पर हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल आ रही है ठीक है अब इसको जो है वो इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं यहाँ पर x p या फराइड आई नॉर्म स्पेस हमने कंसीडर कर लिया जो गिवन था वही कंसीडर एंड ऑर्बिटेरी कोई इसमें ऑर्बिटेरी जो है वो काशी सीक्वेंस जो है वो कंसीडर कर लेते हैं y में से ठीक है जो हमने उसकी सब स्पेस ली सी एंड शो डेट इट इज़ कन्वर्जेंट इन y अगर हमने शो कर दिया कि ये हमारे पास जो हमने काशी सीक्वेंस ली है ये y के अंदर कन्वर्जेंट है तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है कम्प्लीटनेस का रिजल्ट वो प्रूव हो जाएगा अब यहाँ पर हमने क्या करना है द लिमिट विल बी डिनोटेड बाई वाई जो इस वाई एम वाली आ, जो सीक्वेंस हमने काशी सीक्वेंस ली है इसकी लिमिट को हम कह रहे हैं कि वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मतलब हमने ये शो करना है कि ये जो वाई एम वाली सीक्वेंस है ये हमारी जो है वो किसको अप्रोच कर रही है ये वाई को अप्रोच कर रही है क्योंकि लिमिट इसकी हमने वाई से रिप्रेजेंट की है लेट डायमेंशन ऑफ वाई वाई की हमने डायमेंशन जो है वो कंसिडर कर लिया है कि एन है एन कोई भी फाइनाइट नंबर हमने लिया है एंड अगर वाई की डायमेंशन एन है तो डायमेंशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर इसकी बेसिस में हमारे पास जो है ये एन एलिमेंट्स आ जाएंगे ठीक है ये हमारे पास इस y वाली जो सबस्पेस हमने ली है उसकी क्या बन जाएंगी बेसिस बन जाएंगी अब हमें क्या पता है कि देन फॉर ईच वाई एम हैज यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्म ये भी हमने लीनियर कम्बिनेशन में पढ़ा था कि हर व्यायाम के लिए आ, हमारे पास एक यूनिक लीनियर कम्बिनेशन हमें मिलता है ठीक है तो वो हमने इस व्यायाम के लिए एक यूनिक ये जो लीनियर कम्बिनेशन है ये एम की रिस्पेक्ट से इस एल्फ़ा के हमने जो है वो सुपरस्क्रिप्ट में एम लिख लिए ठीक है अब बाकी ये अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा एन तक हम ले रहे हैं स्केलर्स एन स्केलर्स ले रहे हैं और ये एन ही हमारे पास जो हैं वो क्या थे वेक्टर्स थे जो हमने किस में लिए थे बेसिस पे अब वाई एम जो है ये हमें पता है कि काशी सीक्वेंस है अगर ये काशी सीक्वेंस है तो इसका मतलब है फॉर एवली एफसी ग्रेटर दैन जीरो देर एग्जिस्ट आ नंबर एन कैपी एन जो है वो एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा हमारे पास कि सच रेड के वाई एम माइनस वाई आर जो है ये हमारा किससे लेस होगा एप्सी से क्योंकि एन हमने यहाँ पर यूज़ किया है तो वैसे तो हम वाई एम माइनस वाई एन यूज़ कर लेते हैं लेकिन एन वाला इंडेक्स हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो आर यूज़ कर लिया एम और आर जो है ये हमने क्या ले लिए इससे एन से जो है वो हमने क्या लिए ग्रेटर ले लिए अब आगे हमारा जो है वो टारगेट है कि ये हमने लेस देन लिया हुआ है एप्सिलोन से अब ये जो वाई एम है ये हमारा अगर हम इसको इस लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करना चाहें तो अभी हमने सेपरेट सेपरेट लिखा हुआ है ना तो इसको सम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम अल्फ़ा जे ले लिया और वाई जे ले लिया एम तो फिक्स है और जे की वेरिएशन कहाँ से है वन से लेकर एन तक तो ये हमने जे की वेरिएशन वन से एन तक अल्फ़ा जे एम ले लिया इस तरह अगर हम अल्फ़ा जे आर अगर वाई आर के लिए लिनर कम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं तो उसके सुपरस्क्रिप्ट में हम क्या लिख देंगे आर तो इसके लिए हमने अल्फ़ा जे आर ले लिया और वाइज ए ये वाले वेक्टर्स तो दोनों में कॉमन है जो कि बेसिस में आ रहे थे सिर्फ स्केलर्स का ही फ़र्क आएगा ठीक है तो ये हमारे पास बन गया अब जो लेमा हमने अभी पढ़ा था आ, ये लेमा जिसको मैंने कहा था कि लेमा एक ऐसा रिजल्ट होता है जो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए यूज़ होता है तो इसमें हमने क्या कहा था कि अगर ये वेक्टर्स की कलेक्शन जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर एक सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा और ये रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास होल्ड करेगा कि इसकी होल्ड की जो नॉर्म है ये ग्रेटर आ जाएगी सी से और इन स्केलर्स के एब्सोल्यूट वैल्यू के सम से अब यहाँ पर हमारे पास जो ये वेक्टर्स हमने y1 से लेकर yn तक लिए हुए हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं बेसिस लिए हैं y की तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बेसिस तो ये वेक्टर्स हमारे पास क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर ये वेक्टर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर ये इस लैमा की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करें अगर ये स्लेमा की कंडीशन को सेटिसफाई कर रहे हैं तो इट मीनस कि ये रिज़ल्ट जो है वो क्या करेगा होल्ड करेगा अब इस रिजल्ट को हमें जो है वो चेक करना है अप्लाई करना है यहाँ पर बेसिकली तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे पास नोम थी ठीक है इस नॉम की वैल्यू जो है हमें पता है कि लेस देना किससे आ रही थी एप्सिलोन से तो वो एप्सिलन हमने इधर लिख लिया अब ये जो है हमारे पास ये जो इसकी नॉम है इससे भी छोटी हमें एक वैल्यू मिल रही है वो क्या है कि ये इनकी दोनों अल्फाज का जो है वो हम क्या कर रहे हैं आ, इनकी जो है वो एब्सल्यूट वैल्यू से हम ले रहे हैं और यहाँ पर ये सी हमारे पास आ रहा है ठीक है तो इनको हम दोनों को हमने लिख लिया और इसके समीशन ले लिया कि जो अल्फ़ाज बन रहे हैं इनका समीशन जे टू एन हमने वैसे ही ले लिया और साथ ये सी जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर सी जो है ये ग्रेटर दैन जीरो ठीक है वही लिया हमने यूज़ कर लिया अब यहाँ से हमारे पास जो रिज़ल्ट बन रहा है देखिए अगर हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर देन हो बी से और बी ग्रेटर देन सो सी से तो फिर यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो ए है ये ग्रेटर देन है सी से तो यहाँ हमने बेसिकली यही प्रॉपर्टी यूज़ की है कि हम ये लिख देंगे कि ये सी को हम चले ये पॉजिटिव है सी क्योंकि पॉजिटिव है तो ये इनकोलिटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा इसको इधर जाके एप्सिलॉन से डिवाइड कर दिया और एप्सिलॉन से डिवाइड करने के बाद हमने ज़रा इस इनक्वालिटी को लिख लिया कि अब ये साइड जो है हमारे पास क्या आ रही है स्मॉलर आ रही है इस एप्सिल ओवर सी से ठीक है तो ये चीज़ हमने लिख ली अब यहाँ से हमें क्या पता चला रिजल्ट हेयर फील्ड और आर हमें पता है कि फील्ड यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर्स होंगी या कम्पलेक्स नंबर्स होगी ठीक है और दोनों रियल और कंप्लेक्स जो है वो हमें पता है कि कम्प्लीट हैं ये हम ऑलरेडी जो है आ, ये चीज़ प्रूफ कर चुके हैं ठीक है दोनों रियल रियल भी कंप्लीट हम प्रूव कर चुके हैं रियल में भी हर काशी जो है वो कन्वर्जेंट होती है और कम्प्लेक्स को भी हम कंप्लीट प्रूव कर चुके हैं कि कम्प्लेक्स में भी हर काशी जो है वो कन्वर्जेंट होती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फोर फिक्स्ड अगर हम ले लेते हैं जे की वैल्यू वन टू एन तक तो ये अल्फ़ा जे एम जो है ये हमारा कन्वर्ज कर जाएगा किसको अल्फ़ा जे को फॉर एन अप्रोच टू इन्फिनी ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास इसकी फिर यहाँ से हमें जो रिज़ल्ट मिल गया अगर ये हमारे पास कन्वर्ज कर गया ठीक है जब हम एन अप्रोच तो टू इन्फिनी ले रहे हैं तो अल्फ़ा जे एम को हमने क्या कह दिया कि ये हमारे किस को कन्वर्ज कर दिया अल्फ़ा जे को ठीक है तो फिर इट मीनस कि हमारे पास यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो क्या बन जाएगा कि ये अल्फ़ा जे एम वाली जो हमारे पास सिक्विफ आ रही है ये अल्फ़ा जे को अप्रोच कर गया और यहाँ पर हमारे पास वाई जे ऑलरेडी था ठीक है तो ये हमारा लेस देन किससे आ गया है एप्सी लोन से इसकी जो नॉम की वैल्यू है अब ये स्मिशन की नॉम की वैल्यू हम ले रहे थे तो अगर हम अब दोनों पे जो है अब ये अल्फा अल्फ़ाजेज जो है वो सेपरेट हमने किए ये चीज़ जो है ये एफ वाई एम के इक्वल हमारे पास आ गई ठीक है ये पूरी की पूरी जो स्मिशन वाली थी ये चीज़ हमने किसके इक्वल ली हुई थी आ, ये हमने यहाँ पर लीनियर कम्बिनेशन जो कंसीडर किया था ये हमने इसका जो सम था ये वाई एम के इक्वल कंसीडर किया था और दूसरा जो है वो हमने ये जो अल्फ़ा जे वाई जे था इसकी प्लेस पे हमारे पास सिंपली वाई आ गया तो ये लेस दिन किसके आ गया एप्सिलोड के तो यहाँ से फिर हमें क्या पता चला कि ये जो वाई एम है जो हमने एक काशी सीक्वेंस ली थी ये हमारी अब क्या होगी है कन्वर्जेंट होगी है इस वाई में सिंस वाई एम वाज़ एन ऑर्बिटरी क्योंकि यहाँ पर हमने ये एक ऑर्बिटरी काशी सीक्वेंस ली थी सी। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि फिर वाई जो है वो क्या है एक कंप्लीट नॉम स्पेस है ठीक है वाई हमने एक सब स्पेस ली थी नॉम स्पेस की और हमने इसको फाइनाइट डायमेंशन लिया था इसकी डायमेंशन हमने एन स्पोज करके इसको इसमें हमने आर्बिटेरिय काशी सीक्वेंस कंसीडर की और उसको हमने जो है उस काशी सीक्वेंस को क्या शो कर दिया कि वो क्या है कन्वर्जेंट है अगर आ, इसमें हर काशी जो है वो कन्वर्जेंट हो रही है तो फिर हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो हमारा प्रूव हो गया कि वो हमारे पास क्या था रिज़ल्ट कि रिजल्ट हमारे पास ये था कि किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल अगर हमारे पास नॉर्म स्पेस आती है तो वो हमेशा क्या होगी कंप्लीट होगी ठीक है अब कंप्लीटनेस की इंश्योरेंस जो है वो फ़ाइनाइट डायमेंशनल दे रही है अगर फाइनाइट डायमेंशनल नहीं है तो फिर हम ये बात नहीं कह सकते फिर हमें चेक करना पड़ेगा लेकिन ये रिज़ल्ट हमें ये बताता है कि हर ऐसी नॉर्म स्पेस जो फाइनाइट डायमेंशनल होगी वो हमारे पास क्या होगी कम्प्लीट होगी अच्छा so नेक्स्ट हमारे पास एक और रिज़ल्ट है फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस के लिए पहले तो हमने इसकी कम्प्लीटनेस की इंश्योरेंस दी कि अगर फाइनाइट डायमेंशल है तो फिर वो कम्प्लीट होगी अब हम बात करने जा रहे हैं इक्वल की अगर उसमें हम जो नॉर्म्स कंसीडर करते हैं उसके बारे में यहाँ पर एक्स हमने एक, एक फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस कंसीडर की है फिर एनी नॉम तो दिस वन इज़ इक्वल टू एनी नॉम दिस अब क्या है इसमें हमें इस स्टेटमेंट हमें इसमें बता क्या रही है कि अगर हमारे पास स्पेस जो है वो फाइनाइट डाइमेंशनल है तो उसमें कोई सी भी अगर हम दो नॉम्स लेते हैं तो वो हमेशा क्या होंगी एकट होंगी ये चीज़ हम प्रूफ करने जा रहे हैं ठीक है गिवन हमारे पास क्या है गिवन हमें ये है कि एक्स जो है वो फाइनाइट डायमेंशन नॉम स्पेस अब हमने कंसीडर कर लिया कि नॉम स्पेस एक्स इज़ फाइनाइट डायमेंशन और एन जो है वो इसकी डायमेंशन हमने कंसीडर कर लिया अगर ना हमारे पास इसकी डिमेंशन है तो इसके बेसिस के सेट में ये हमने ई वन ई टू ई एन तक जो है वो फिर एन वेक्टर्स होंगे हाँ ये हमने बेसिस ले लिया है इस एक्स की देन फॉर एवरी एक्स अब अगर हम कोई भी एक्स लेते हैं एक्स में से ये जो नॉर्म स्पेस है एक्स वी हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन हमें एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिलेगी ये लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में ठीक है ये चीज़ हमने लिंगर कम्बिनेशन और स्पैन वाला जो लेक्चर है उसमें डिस्कस भी किया था कि ये जो हमारे पास लिंगर होता है ये यूनिक होता है फिर हमें एक यूनिक जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिल गई ये अब दोबारा हम वही लेमा जो हमने पहले डिस्कस किया था उसको यूज़ करने जा रहे हैं कि फिर इस एक्स की नॉम जो है वो इनके जो ये जो स्केलर्स है इनके एप्सिल्यूट के सम और साथ में ये हमने एक सी लिया जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है ये एक्स की नॉर्म की वैल्यू इससे ग्रेटर आएगी ठीक है तो ये हमने रिज़ल्ट दोबारा हमने वही लेमा जो है वो यूज़ कर लिया अब हमने एक और कोई नॉर्म कंसीडर की है पहले तो हम ये नॉर्म्स कंसीडर कर रहे थे अब ये नॉट वाली हमने एक और नॉर्म एक्स नॉर्म कंसीडर की है इसमें हमारे पास नॉट आ जाएगा और इसके लिए भी हमारा जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह से बनेगा इसमें हम जो है वो नॉर्म की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने जा रहे हैं ठीक है अब नॉम की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की सबसे पहले ये नॉम की प्रॉपर्टी है ट्रा एंगल इनक्वल्टी वाली कि अगर हम नोम इनमें सेपरेट सेपरेट कर दें तो ये हमारे पास इन इक्वलिटी अपीयर हो जाती है ठीक है उसके बाद हमारे पास ये हमने प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की कि अगर एक्स प्लस वाई की नोम है ठीक है और हम अगर नॉम सेपरेट सेपरेट करते हैं मतलब एक्स नॉम करते हैं और प्लस वाई नॉम करते हैं तो जहाँ हम सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं वो साइड हमारी ग्रेटर आ जाएगी उसके बाद नेक्स्ट हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास अल्फ़ा एक्स की नॉम है अल्फा स्केलर है और एक्स वेक्टर है तो ये इक्वल आ जाएगी अल्फ़ा का एप्सीूट और एक्स की नॉम के ठीक है जो वेक्टर है उसकी नॉम और जो स्केलर है उसका एप्सीूट तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये हमने इस स्टेप में यूज़ की ठीक है अब हमने के जो है वो एक मैक्सिमम नंबर चूज़ कर लिया है जो कि इन सारे वेक्टर्स की जो नॉम है उसका मैक्सिमम है ठीक है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इन सारे वैक्टर्स की नॉम की उसको हमने कह दिया के अब अगर इन सब की प्लेस पे जो है वो हम ये जो सारे जो वेक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं इनकी प्लेस पे अगर हम इनकी नॉम्स की प्लेस पे इसकी मैक्सिमम वाली वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देते हैं तो फिर ये जो राइट वाली हमारी साइड है ऑलरेडी ग्रेटेड थी अब और बड़ी हो गई है क्योंकि यहाँ पर हमने के एक नंबर सपोज कर लिए ठीक है अब ये जो तो हमारे पास बाकी हमारे पास क्या बच गए हैं ये स्केलर्स का सम बच गया ये सिंपली हमारे पास इन स्केलर्स का सम बच गया इन सब की नॉम की प्लेस पे तो हमने के ले लिया और वो के हमने कोमल ले लिया जो इनकी मैक्सिमम वैल्यू थी ठीक है अब यहाँ पर हम वन को यूज़ करेंगे वन में हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक्स की जो नॉम है ये हमारे पास क्या थी ग्रेटर आ रही है इन सब स्केलर्स के सम से ठीक है सिर्फ की एप्सल्यूट वैल्यू के सम से हमारे पास क्या चीज़ ग्रेटर थी एक्स नोम तो ये हमारे पास इट मीन्स कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास लेस था और हमारे पास जो एक्स नोम था वो क्या था ग्रेटर था हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट बनना था वहाँ पर कि ये एक्स नोम की जो वैल्यू है ठीक है आ या मैं इसको दूसरी सेंस में एक्सप्रेस कर देती हूँ ये बेसिकली कुछ इस तरह का रिजल्ट था कि अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू प्लस अप टू सोन ये हमारे पास जा रहा था अल्फा एन तक ठीक है ये हमने यहाँ तक इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू और इससे हम सी मल्टीप्लाई कर रहे थे इससे बड़ी वैल्यू है एक्सनोम की वैल्यू जो थी वो इससे ग्रेटर थी ठीक है मतलब ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्सन था ये हमारे पास ग्रेटर था <coughs> और सिर्फ ये जो सी था ये फिर इधर आके हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ये एक सी की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है तो ये इनक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी ठीक है तो इससे बड़ी एक वैल्यू हमने ये वाली ले ली तो ये निक और बड़ी होगी इसकी प्लेस पे हमने एक्स नॉम ओवर सी जो है वो रिप्लेस कर दिया ठीक है इस पूरी चीज़ की जगह पे इससे बड़ी वैल्यू हमने प्लेस कर दी है तो ये के ओवर सी हमारे पास जो है वो एक्स नॉम यहाँ से आ गया देखिए के जो है वो हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की हुई थी इन सारे वैक्टर्स की नॉम की ठीक है अब नॉम जो है वो हमें पता है कि किसी भी वेक्टर की अगर हम नॉम लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू तो ज़ीरो होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है फिर तो फिर इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो के है वो भी क्या होगी एक पॉजिटिव नंबर होगा के भी पॉजिटिव है एक्स तो फिर हमारे पास सी की पहले ही हमें कन्फर्मेशन थी कि वो पॉजिटिव है तो इट मीनस कि ये सी ओवर के जो है ये भी हमारा क्या आ जाएगा ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा तो इक्वल एंड की जो हमने कंडीशन पढ़ी थी उसमें यही था कि इनके दरमियान को ये एक स्केलर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए आ, जो कि कोई रिलेशनशिप दे रहा हो तो फिर ये दोनों नॉम्स हमारे पास के, जो पॉजिटिव हो तो फिर ये नॉम्स हमारे पास क्या हो जाती हैं इक्वलेंट तो यहाँ से हम इधर नॉट लेके चल रहे थे इधर से हमारे पास एक्स नॉम आ गई तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या शो हो गया कि ये एक्स नॉट वाली जो नॉम है ये एक्सनॉम के जो है वो क्या आ गई है इक्वल और यही चीज़ हम शो करना चाह रहे थे कि अगर हम फाइन डायमेंशनल नॉर्म स्पेस ले रहे हैं तो ये दोनों नॉर्म्स जो हैं वो हमारे पास क्या आ जाती हैं इक्वलेंट आ जाती है तो जो चीज़ हमारे पास जो हम शो करना चाह रहे थे रिक्वायर्ड था जो हमारे पास रिज़ल्ट वही चीज़ जो है वो हमने यहाँ से जो है वो शो भी कर दी है अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो देखने जा रहे हैं कि किस तरह हम लोग दूसरी साइड पे देखें हमें जो स्केलर चाहिए होते हैं वो दो स्केलर्स की वैल्यू बेसिकली हमें चाहिए होती है ना जैसे हमने वो इक्वलेंट नॉर्म शो की थी से अगर मेरे पास ये एक नॉर्म वन थी ठीक है और इसको मैंने इक्वलेंट शो करना था नॉर्म टू के ठीक है तो ये मुझे इस तरह का कुछ रिजल्ट चाहिए था इन दोनों में के बिटवीन ये नॉर्म वन और टू एक स्केलर इधर हमें चाहिए था एक भी ठीक है तो एक रिलेशनशिप तो हमने फाइंड कर लिया अब सेकेंड वाला रिलेशनशिप हमें फ़ाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि वो फिर हमारे पास क्या बनेगा अब यहाँ से अगर हम देखें ये जो हमारे पास इक्वेशन टू आई है ये के और सी जो है ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनको मैं इधर से राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे भी शिफ्ट कर सकती हूँ तो ये सी ओवर के मेरे पास बन जाएगा सी इधर आके ये वाला सी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये के इधर आके जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो ये सी और के हमारे पास आ गया एक्स नॉट और ये एक्स नोट तो, ठीक है अब एक्स नॉट जो है ये हमारे पास क्या है ग्रेटर इक्वल टू आ रही है किसके इस रिजल्ट के जो हमने वो लेमा से ही देखा था ठीक है जो अभी पहले हमने यूज़ किया है अब यहाँ से ये सी जो है ये इस एक्स नाट से हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और जो एक्स की हमारे पास नोम है अब उस पर उसी तरह हमने मैक्सिमम की पहले नोम की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की ट्राइंगल इनक्वालिटी की उसके बाद अल्फा वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है उसी तरह फिर मैक्सिमम हमने ले लिया और इसके लिए भी उसी तरह फिर ये स्केलर बन गया ये के ओवर सी जो है ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ से हमें एक रिज़ल्ट इसके लिए भी ये मिल गया कि इधर हमारे पास के ओवर सी आ जाएगा और इधर से पहले हमारे पास ए ओवर के आ रहा था इन दोनों इक्वेशनस को जो है वो हमने कम्बाइन कर लिया फाइनली तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था वो हमने क्या कर लिया प्रूफ कर लिया कि जो हमने प्रूफ करना चाह रहे थे कि अगर हम फ्राई डेमेंशन नॉर्म स्पेस ले रहे हैं तो उसमें कोई सी भी दो नॉम्सों हैं वो क्या होंगी इक्वलेंट होंगी तो ये चीज़ फिर हमने जो है वो क्या कर ली प्रूव कर ली ठीक है इसको ही यही चीज़ हम शो करना चाहिए